ज़िला कमेटी की ओर से खागा तहसील में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ज़िला कांग्रेस कमेटी गुलाबी गैंग भी इसमें मौजूद रही। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष जावेद शेख, पीसीसी मेंबर शिवकांत तिवारी, दुर्बीन सिंह सभी कांग्रेसियों ने सम्मान समारोह में शिरकत की। वहीं जिला अध्यक्ष अखिलेश पांडे को मुबारकबाद दी गई। गाजियाबाद के लोनी इलाके के फरूक नगर में डीएम अजय शंकर पांडे के सख्त आदेश पर आज लोनी एसडीएम प्रशांत तिवारी और तहसीलदार प्रकाश सिंह, फारूक नगर चौकी इंचार्ज अतुल चौहान ने फोर्स के साथ बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान घरों के अंदर से लाखों के पटाखे बरामद किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, पटाखों की कीमत लगभग 10 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई में 5 बड़े ट्रैक्टर भर के पटाखे बरामद किए हैं। जी सर, आज पटाखों के फारूक नगर में आपने कार्रवाई की है, कितनी बड़ी कार्रवाई है, कितना माल बरामद है सर? फारूक नगर में आज स्थानीय निवासी द्वारा सूचना दी गई कि लोग घरों में पटाखे बना रहे हैं और बेच भी रहे हैं। इसी कड़ी में जो है चौकी इंचार्ज, तहसीलदार और नगर पालिका की टीम के साथ छापा मारा गया, जिसमें अभी तक लगभग 5 बड़े ट्रैक्टर जो है पटाखे बरामद किए गए हैं। इनकी कीमत लगभग 10 लाख के आसपास है और कार्रवाई अभी जारी है। जी सर, ये कहाँ कहाँ से माल बरामद किया है, कैसे कैसे आपने? ये फरूख नगर के गांव में, घरों में, आप जैसे पिछली बार भी कार्रवाई की गई थी, उसमें घरों में बेड के पास छुपा करके अपने घर के किनारे, कोने, छत पर, सभी जगहों पर जहां भी भंडारण किए गए, जैसे से खबर आ रही, पूरी तरीके से गश्त लगा के छापा दिया गया। सर, जानकारी आई है कि लोगों के घरों के अंदर से पटाखा बरामद हुआ है, तो क्या मानते हो कि जो आम नागरिक है यहाँ पे, वो भी क्या पटाखों को काले धंधे करते हैं? अब इसीलिए तो छापा मारा जा रहा है। इस बात की जानकारी जो सूत्रों के हवाले से ही मिली है, स्थानीय निवासी इस बात की सूचना देते हैं, जब भी कोई इस तरह की खबर है, हम पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर भी लगातार गश्त लगा ही रहे हैं। और जो भी पटाखे घर में बन रहे हैं, अवैध रूप से बन रहे हैं, क्योंकि इसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग शामिल हैं, और ऐसी स्थिति में कोई भी बड़ा हादसा ना हो, इसलिए प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी रखी है। खबरों में बात करते हैं उन्नाव के कोतवाली बांगरमऊ क्षेत्र की, जहां पर अधिकारियों की मिली भगत से बड़े पैमाने पर नकली डामर बनाने का कारोबार फल फूल रहा है, जिसकी सूचना आला अधिकारियों को मुखबिर से मिली। वहीं देर शाम को उपजिलाधिकारी कोतवाल अरविंद सिंह के साथ अचानक छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसे देख नकली कारोबारियों में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। एजेंट साहब, ये डामर बनाने का क्या मामला है पूरा? देखिए, आज जो है सुबह 10 बजे के आसपास मुझे सीओ साहब से जो है ये सूचना मिली कि जो है कुछ ट्रकें पकड़ी गई हैं, टैंकर जो है डामर के पकड़े गए हैं, और एक फैक्ट्री पकड़ी गई अवैध रूप से कार्य करते हुए। तो वहाँ पे जो है पहुँचने के बाद ये ज्ञात हुआ कि जो है ये मथुरा की रिफाइनरी से जो है डामर आ रहा था और वो आजमगढ़ जा रहा था, और बीच में उन्नाव में ही यहाँ बांगरमऊ में एक जगह, दो जगहों पे अनाधिकृत रूप से जो है फैक्ट्री या कहेंगे आप, या उसे जो है कुछ इन्होंने ड्रम वरम लगा के ऐसा बना लिया था कि जिसमें जो है ट्रकों, उन टैंकरों से डामर उतारा जा रहा था और जो है नकली कुछ चीज़ें भर दी जा रही थी उसकी जगह पे, और वो जो उतारा हुआ डामर इसे जो है अपने टैंकरों में करके इसे बेच ले रहे थे। किस टीम द्वारा छापामारी हुई? ये जो है पुलिस की टीम थी। अब एग्जैक्टली जो है SHO साहब बताना चाहें तो बताएं, कौन सी पुलिस टीम थी जो है, ये सूचना जो है मुख्यालय से आई थी, तो वहाँ से जो है उसी के क्या चल रही है इस पर जो है हमारी सप्लाई विभाग की टीम लगी हुई है, तो जो है क्योंकि ये EC एक्ट जो होता है उसमें आता है, तो उसकी भी जो है कार्रवाई चल रही, तो सप्लाई के DSO साहब हैं तो वो लगे हुए हैं, और पुलिस की तरफ से चोरी और अनधिकृत रूप से जो है कारोबार चलाने की, इन सब की कार्रवाई भी चल रही। तो इस पर पूरा जो है फाइनल जो है रिपोर्ट कल तक ही हम बता पाएंगे, और ये कभी प्रगतिशील है ये कार्रवाई जो भी है, और बाकी जो है वहाँ पे जितने भी लोग पाए गए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और बाकी तलाश की जा रही है कि जो इससे संबंधित हो उनको भी जो है ढूंढा। खबरों में बात करते हैं नीमच की, जहां शुद्धता के लिए युद्ध चल रहा है। मध्य प्रदेश शासन के तहत जिला प्रशासन की भूमिका प्रशंसनीय है। त्योहारों को देखते हुए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारीगढ़ ने शहरवासियों को मिलावटी खाद्य सामग्री परोस रहे व्यापारियों का चेहरा बेनकाब किया है। क्या हाल है? रोटी डायमंड संस्था पे जो कल मिठाई संघ वालों ने जो आरोप लगाया है कि रोटी डायमंड वाले मिलावट वाली चीज़ बना रहे थे, उसके लिए हमने आज ज्ञापन दिया है यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि मिठाई वालों की सूक्ष्म बारीक से बारीक जांच की जाए। उनके 15 से 20 दिन, 1-1 महीने पुरानी मिठाई बनी हुई पड़ी हुई है वहाँ पर उनकी दुकानों पर, और वो जो रोटी डायमंड पर आरोप लगाया है, हम गरीब बच्चों के लिए मिठाई बनाते हैं और हमारे जो क्लब के मेम्बर हैं उनके लिए हम वो मिठाई बनवा रहे थे, और हमारे खुद के लिए हम मिलावट वाली मिठाई कभी नहीं बनवाएंगे, और जो लागत लग रही थी वो प्लस उसमें जो एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा था वो हमारा क्लब वहन कर रहा था,
और हम चाहते हैं कि मिठाई वाले संस्थानों की बारीक से बारीक जांच की जाए और जब तक वो रोटी डायमंड से खंडन नहीं मांगेंगे पेपर के माध्यम से तब तक हम उनको माफ नहीं करेंगे और हम आगे तक लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम आपका? हेमंत मंडारी, अध्यक्ष रोटी डायमंड। सिद्धार्थनगर के क्राइम सेल के नोडल अधिकारी बनाए गए पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बांसी थाने का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम कोतवाल बांसी शैलेश कुमार ने सलामी दी। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर विजय ढुल, अपर पुलिस अधीक्षक माया राम वर्मा के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। एक तो अच्छी पूरे जनपद में मैं देख रहा था कि अपराध बहुत ज्यादा नहीं है, शांति प्रिय जनपद है, लॉ एंड ऑर्डर की भी कोई समस्याएं ऐसे परिलक्षित नहीं हुई है पिछले दिनों में, और जो भी त्यौहार हुए हैं वो अच्छी तरह से मनाए गए, बहुत ज़्यादा अपराध नहीं है। तो इसके स्थाने पे भी मैं देख रहा था कि विवेचनाओं की स्थिति जो है अच्छी है, मतलब 3 महीने से ज़्यादा की कोई विवेचना लंबित नहीं पा रही। तो इस तरह से जो कार्रवाई पुलिस की अपेक्षित है कि FIR लिखना, विवेचना करना, मुजरिमों की गिरफ्तारी, चार्जशीट या प्रॉपर जो भी हैंडल करना है वो सब टाइमली हो रहा है। इसके साथ जो भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो भी मैं देख रहा हूँ अच्छी तरह से हो रहा है, जैसे CCPNS की जो व्यवस्था है वो भी प्रभावी तरीके से चल रहा है। ई चालान मैं देख रहा था, ई चालान भी हमारे जो ऑफिसर्स हैं थाने स्तर के वो ई चालान भी करें, तो जो मॉडर्नाइजेशन है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो भी बखूबी किया जा रहा है, और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है साफ सफाई काफ़ी अच्छी है, लेकिन काफ़ी टूटे फूटे हैं और कर्मचारियों के जो रहने की व्यवस्था है, छोटे छोटे कमरे हैं, वो और बेहतर होने की जरूरत है। हापुड़ से बाल मजदूरी का मामला सामने आया है, जहां पर बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव रजेटी में नकली सफ़ेद रसगुल्ले बनाने की 3 फैक्ट्री चल रही हैं। इन फैक्ट्रियों में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। गढ़मुक्तेश्वर उप जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नकली रसगुल्ले बनने का मामला सामने आया, क्या? मुझे भी अभी जानकारी हुई इसके लिए, तो मैंने अपने जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो हापुड़ में हमारे हैं उनको अवगत करा दिया है। वो आज ही अभी दोपहर के बाद में एक टीम भेजेंगे और जहाँ जहाँ भी नकली जो रसगुल्ले बनने के 2-3 मुझे पॉइंट बताए गए थे वहीं पे पूरा सैंपलिंग की जाएगी। आज आ जाएंगे नहीं तो कल तक 100% आ जाएंगे। अभी वो क्योंकि उधर हापुड़ में सैंपलिंग कर रहे हैं और उनको बता दिया गया है, आज शाम तक हम लोग सैंपलिंग करा देंगे। तो जो भी इसके अंदर दोषी पाया जाएगा सैंपलिंग कराने में, उसके बाद उससे सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें नाबालिग बच्चों से भी ये लोग कार्य करा, ये भी हम देख लेंगे इसके अंदर, क्योंकि नाबालिग बच्चों से तो किसी काम करा ही नहीं जा सकता ये, तो ये भी हम देखेंगे। अगर वहाँ पे नाबालिग बच्चे कार्य करते हैं तो श्रम विभाग से हम जो भी हमारे पर जो नियम के साथ कार्रवाई होती है मैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।